code blocks सो so, पहले की वीडियो में आपने देखा कि मैंने टी सी निंजा की उसके बाद वीप्रो एलाइट एन टी एच की उसके बाद टी सी डिजिटल की उसके बाद इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर और उसके बाद एक्सेंचर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सारे पोजीशन का आम, मतलब फ्रेशर का जो सैलरी स्लिप है वो मैंने आपको बताया मतलब ये आपको इनहैंड सैलरी कितना मिलेगा ठीक है ये भी आपको मिलेगा अगर अगर आप इन, इन कंपनी में अगर ज्वाइन करने वाले हैं मतलब आपका अभी तक ज्वाइन ही नहीं हुआ तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरी एंड तक देखना ठीक है मतलब इन एंड सैलरी क्या होगा इस कुछ स्पेशल चीज़ है जैसे कि टी सी डिजिटल में है मतलब टी सी डिजिटल में जो पार्सल अलाउंसेस है उसके बाद की बात है जो एक्सचेंचर में जो ज्वाइनिंग बोन है उसके बाद जो रिकवरी उन्होंने जो डिडक्शन किया वो कैसे ऐड होगा उसके बाद एड होगा अलाउंस क्या क्या है ठीक है तो इस वीडियो में मेरा टॉपिक है आज का टॉपिक है टी के लिए ठीक है और जी जो जो लोगों अभी तक टी ज्वाइन नहीं किया टी सी एस में अगर आप आप ज्वाइन कर चुके हैं और अभी तक जो ने फाइनल ईयर में है अब टी सी एस में और टी सी में आप ज्वाइन करने वाले हैं तो इस वीडियो को आपने पूरे ध्यान से एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं टी के ऑल जो डेजिग्नेशन है उसके बारे में बताऊँगा और प्रोमोशन कैसे कैसे होगा कितने कितने साल आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए तो नेक्स्ट प्रोमोशन के लिए ऑल द पोजीशंस मतलब जो डेजिग्नेशन है फ्रॉम असिस्टेंट असिस्टेंट इंजीनियर टू सीईओ ऑल द डेजिग्नेशन विल बी डिस्कस्ड यार मतलब कितने यार एक्सपीरियंस होना चाहिए सैलरी के कितना होगा मतलब सिटी से क्या क्या होगा क्या कि, कितने साल में आप इन पोजीशन को मतलब रेजिग्नेशन में पहुंच सकते हैं ठीक है ये सारे के सारे डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया था जो टी सी एस का सारे चीज़ सारे डेजिनेशन फ्रॉम असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर टू सी ये सारे के सारे डेजिनेशन के बारे में बताऊंगा उसकी सैलरी क्या होगा और क्या क्या प्रमोशन के थ्रू दिए थ्रू के आप सारे डेजिन, सारे डेजिनेशन पे पहुंच सकते हैं और कितने सालों का एक्सपीरियंस लगेगा ठीक है तो चलिए पहले जो है जो अगर आप जब टी सी एस इंडिया में ज्वाइन करेंगे एज ए असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग हिसाब ट्रेनिंग करके आप मैंने इस मतलब इस पोजिशन पर आप ज्वाइन करोगे टीचर्स सी ठीक है दिस इज द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ योर जर्नी एट टी सी एस ओके यहाँ पर आपका सी टी सी होगा थ्री पॉइंट थ्री एल पी ठीक है और यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक साल रहना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट प्रोमोशन है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर जो टेन ई वाला ऑप्शन है ये हट जाएगा और आफ्टर वन ईयर कम्प्लीट ऑफ कम्प्लीट ऑफ वन ईयर्स मतलब आपको एक ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है यह और यहाँ पर जो लगभग मैक्सिमम सिक्स परसेंट आपका इंक्रीमेंट होगा तो प्रोमोशन होगा तो यहाँ के जा यहाँ पर मतलब असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर पर जाके आपका पैकेज होगा लगभग थ्री पॉइंट फाइव एल पे ठीक है ये पर जो है मैक्स सिक्स परसेंट का प्रमोशन होगा टी सी एस में ठीक है उसके बाद असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ठीक यहाँ पर भी आपको एक साल रहना पड़ेगा एक साल के बाद आप सिस्टम इंजीनियर पर प्रमोट हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर भी आपको एक साल कंप्लीट करना होगा मतलब सिस्टम असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर टेन ई टू सिस्टम इंजीनियर होने के लिए आपको दो इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा ठीक है मतलब यहाँ पर जाने के लिए टू इयर्स एक्सपीरियंस और यहाँ पर यहाँ पर मतलब अगर सिस्टम इंजीनियर होकर आपका पैकेज होगा लगभग फोर टू फाइव एल ठीक है फोर पॉइंट फाइव टू फाइव एल पे का आपका पैकेज होगा सिस्टम इंजीनियर होने के बाद मतलब टीसीर्स के ज्वाइन करने के दो साल के बाद ठीक है अगर उसके बाद आ जाइए आई टी एनालिस्ट ठीक है आप सिस्टम इंजीनियर होने के बाद अगर आप दूसरी जगह किसी कंपनी के स्विच करने के मतलब उस नई बारे में सोचेंगे आप टी सर्स में रहने के लिए सोच रहे हैं तो मतलब लगभग थ्री टू फाइव थ्री टू फोर ईयर्स आपको यहाँ पर रहना होगा नेक्स्ट प्रमोशन के लिए ठीक है थ्री टू फोर ईयर्स मतलब सिस्टम इंजीनियर होके आपको तीन से चार साल एटलीस्ट रहना पड़ेगा सिस्टम इंजीनियर होने के लिए सिस्टम एज ए सिस्टम इंजीनियर आपको काम करना होगा थ्री टू तो फोर इज उसके बाद आप प्रमोशन होगा प्रोमोट हो गए आई एनालिस्ट के बाद ठीक है अगर आप किसी और कंपनी से स्विच करके टी में ज्वाइन करेंगे उसके बाद वो बात अलग है लेकिन एज ए आप स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग के बाद उसके बाद असिस्टेंट तो सिस्टम इंजीनियर उसके बाद सिस्टम इंजीनियर और उसके बाद आपको तीन से चार चार साल तक आपको रहना पड़ेगा और उसके बाद आप आईटी एनालिस्ट पे पोजीशन पे आ सकते हैं ठीक है मतलब यहाँ पर आने के लिए आपको एटलीस्ट फाइव इयर्स का एक्सपीरियंस लगता है ठीक है एटलीस्ट फाइव इयर्स, ठीक है और यहाँ पर आके आपका पैकेज होगा लगभग सेवन टू नाइन एलपी है ठीक है सेवन टू नाइन एलपी आपका पैकेज होगा इसके बाद क्या जो प्रोमोशन है मतलब असिस्टेंट कंसल्टेंट ये होने के लिए आपको यहाँ से लगभग तीन से चार साल का एक्सपीरियंस आपको लगेगा एटलीस्ट मतलब एट टू नाइन ईयर्स टोटल एक्सपीरियंस मतलब एट टू नाइन ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है तब जाके आप असिस्टेंट कॉन्सल्टेंट हो सकते हैं और इसका जो पैकेज होगा वो लगभग ग्यारह से अठारह लाख एल पी है ठीक है इलेवन टू एट्टीन एल पी होगा असिस्टेंट कॉन्सल्टेंट का ठीक है लेकिन उसके लिए आपको आठ से नौ साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है और उसके बाद आता है एसोसिएट कन्सल्टेंट ठीक है और यहाँ पर के इस पोजीशन के लिए मतलब आप कोई एक्सपीरियंस ही बोल सकते हो मतलब इलेवन टू फोर्टीन ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है और यहाँ पर जाके आपका पैकेज होगा फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव एल पी है ये भी अप्रोक्स है सही नहीं है मतलब कोई भी किसी का भी मतलब फिक्स नहीं होता कि किसी दूसरे का भी मतलब एसोसिएट कंसल्टेंट बहुत सारे होगा मतलब उन लोगों का सारे के सारे का जो सिटी से होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा सेम नहीं होगा कोई स्विच करके अनदर कंपनी से आएगा ठीक है और कोई भी टी में रह के आठ से ग्यारह से चौदह साल भी रह सकता है ठीक है और कोई स्विच करके भी आएगा ऐसे करके मतलब पंद्रह से पच्चीस लाख का उनका CT सी होगा एसोसिएट कंसल्टेंट के ठीक है उसके बाद ये भी बोलना उसके बाद आता है कंसल्टेंट ठीक है ये कॉन्सल्टेंट का जो एल मतलब पैकेज है ये बोलना थोड़ा मुश्किल है मतलब यहाँ पर जो एक्सपेंस लगता है ग्रेटर देन ठीक है ट्वेल्व ईयर्स का ट्वेल्व ईयर्स का एक्सपेंस मोर देन टवेल्व ईयर्स ठीक है अरे यहाँ पर इसका जो सिटी से हो, वो बोलना बहुत ही मुश्किल होता है ठीक है उसके बाद आता है जो पोजीशन आता है वो सीनियर कॉन्सल्टेंट ठीक है सीनियर कॉन्सल्टेंट उसके बाद आता है सीनियर कॉन्सल्ट के बाद आता है प्रिंसिपल कॉन्सल्टेंट उसके बाद आता है डिपार्टमेंट वाइस प्रेसिडेंट ठीक है मतलब यहाँ पर मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है जैसे कि अगर औरकेल में टी में औरकेल का काम हो रहा है तो औरकेल का एक डिपार्टमेंट होगा कोई फुल स्टेक का काम हो रहा है तो फुल स्टेक का एक डिपार्टमेंट होगा ठीक है सपोज़ uh, आज यहाँ पर भी कोई ए आई का काम हो रहा है तो उसका एक अलग सा डिपार्टमेंट होगा ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट का एक वाइस प्रेसिडेंट होता है ठीक है तो ऐसे होता है वाइस प्रेसिडेंट को नेक्स्ट होता है नेक्स्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद एक होता है हेड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का ठीक है और उसके बाद आता है सी यू का ठीक है मतलब आपका जानना स्टार्ट होता है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ऐसे ट्रेनिंग उसके बाद आता है असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर उसके बाद आता है सिस्टम इंजीनियर ठीक है उसके बाद, analyst, उसके, बाद उसके, बाद उसके बाद आता है आई टी एनालिस्ट उसके बाद आता है असिस्टेंट कंसल्टेंट, उसके बाद आता है एसोसिएट कंसल्टेंट उसके बाद आता है कंसल्टेंट। अगर आप लगभग बीटेक 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 कर कंप्लीट करके आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं एज ए सिस्टम इंजीनियर एज ए असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग से ट्रेनिंग करके और उसके बाद आप मैक्सिमम कॉन्सल्टेंट तक पहुँच सकते हैं मतलब पंद्रह साल के अंदर आप कंसल्टेट पहुँच सकते उसके बाद आप पहुँच सकते भी आप नहीं भी पहुँच सकते मतलब इस इस पोजिशन पर आके आपको रिटायरमेंट लेना होता है आगे के जाता अगर आप ओनली बी करके जाते हैं तब अगर आप बी टेक कर कम्प्लीट करके एज ए जब आई एनालिस्ट होता है उसके बाद आपने एक लीव ले लिया मतलब टी में जो मिलता है लीव लेता है फॉर पार्पज ऑफ स्टडी आप जाके एम बी ए कर लिये, आप आप लिए फिर आप ऑटोमेटिकली आई एनालिस्ट से ऑटोमेटिकली आप एसोसिएट एसोसिएट कंसल्टेंट पर भी आ सकते हैं और कॉन्सल्टेंट पे भी जा सकते हैं मतलब आपको एमबीए कंप्लीट करना होगा नॉर्मल बीटेक से आप इतने बड़े बड़े पोजीशन पे आप नहीं जा सकते हैं ठीक है उसके लिए आपको एमबीए करना होगा ठीक है।, है।, है और उसके बाद कॉन्सल्टेंट के पास सीनियर कॉन्सल्टेंट आता है सीनियर कॉन्सल्टेंट के बाद प्रिंसिपल कॉन्सल्टेंट आता है ठीक है और उसके बाद डिपार्टमेंट वाइस प्रेसिडेंट देन हेड प्रेसिडेंट एंड देन लास्ट ऑफ ऑल सीईओ का पोजीशन आता है ठीक है तो ये थे टी के सारे के सारे डेजिग्नेशन के बारे में जो उसका अप्रॉक्स सैलरी कितना होगा और क्या क्या कितने साल का एक्सपीरियंस लगता है उसके बाद प्रोमोशन क्या कितना होता है टी में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप सिक्स टू एट परसेंट प्रोमोशन मैक्सिमम एट मैक्स सिक्स टू एट परसेंट के प्रमोशन होता है ठीक है यरली जो प्रोमोशन होता है सिक्स टू एट परसेंट उससे ज़्यादा नहीं होता और आप मतलब आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है तब जाके भी आपको फिर फाइव टू सेवन परसेंट मिलेगा ठीक है और बहुत ही अच्छा हुआ तो मैक्सिमम सिक्स टू एट परसेंट इससे ज़्यादा टीचर्स में प्रमोशन होता ही नहीं है ठीक है तो ये थे टी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या क्या डेजिग्नेशन होता है सैलरी और प्रमोशन के बारे में कितना यार एक्सपीरियंस होता है ठीक है अगर आप किसी को कौम और कंपनी से स्विच करके आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन होता है और आप नए एक बहुत ही अच्छा पोजिशन पर डेजिग्नेशन पर ज्वाइन भी होता है अगर आप शुरुआत करते हैं टी सी एस पे टी पे दस से बारह साल रहते हैं तो आपका ज़्यादा प्रमोशन नहीं होगा और मतलब डेजिग्नेशन जो है बड़ा डेजिग्नेशन नहीं जाएगा ठीक है अगर अगर आप बीच में एम कंप्लीट कर लेते हैं एज आई एनलिस्ट होने के बाद अगर हमने अपने एम बी कंप्लीट कर लिया तो आप इजी इस आसानी से कॉन्सल्टेंट पोजीशन पे भी जा सकते हैं ठीक है तो ये थे कंप्लीट डिस्कशन सो आगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए